हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खस्ता और करारे मेथी के पराठे, जो आप अचार सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक जार ले लेंगे, उसमें हम 10 से 15 मिर्चियों को तोड़कर डाल देंगे। ये 10-15 हरी मिर्ची थी, इन्हें हमने धोके अच्छे से तोड़ लिया है। इन सारियों को हम जार में डाल देते हैं। अब हम एक गांठ लहसुन की डाल देंगे अच्छे से छील के, और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। और जब तक हमारी पिस रही है, तब तक हम एक थाल में मेथी को डाल देंगे कटी हुई को। ये मेथी हमने अच्छे से धोकर काट ली थी। हमने जो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया था, हम उसे डाल देंगे इसमें मेथी में। हम ये सारा इसी में डाल देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्ची और नमक का बारीक पिसा हुआ पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इससे हमारी मेथी एकदम पानी छोड़ जाएगी। हमने मिक्स कर दिया, हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए 10 मिनट बाद हमारी मेथी कितनी कम रह गई है गल के। देखिए मेथी एकदम गल चुकी है। हम इस चम्मच को हटा देंगे। अब हम इस मेथी में हमें जितने पराठे बनाने हैं, उस हिसाब से हम आटा डाल देंगे। ये हमारा गेहूं का छना हुआ आटा है। आपको जितने पराठे बनाने हैं, आप अंदाजे से आटा ले सकते हैं। हमने 5-6 लोगों के हिसाब से आटा ले लिया है। हम इसे ऐसे से मिक्स मिक्स कर देंगे मेथी में। हमें इसे अच्छे से टाइट पन से मिक्स करना है। आप दोनों हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। अभी आप जितने अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इससे आपका जो भी पानी होगा आटे में आ जाएगा। इसे आप हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करना। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। पानी हमको एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े छींटे मारते जाने हैं। हम इसे अच्छे से गुमकी दे देकर मार लेंगे। और देखिए हमने कितना कम पानी लिया था, उसी से हमारा आटा लग चुका है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मल मल कर। सारे सूखे आटे को मिक्स कर देंगे। आप इसे जितना गूंदोगे उतना ही ये ढीला होता जाएगा, इसलिए आप पानी शुरू में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं कर दें, नहीं तो आटा खराब हो सकता है। फिर आपको उसमें सूखा आटा लगाना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे
उसे अच्छे से घुमकी देंगे। देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से मर चुका है। ना हमारा आटा ज्यादा ढीला है ना ज्यादा टाइट है, हम इसे रख लेंगे। हम थोड़ा सा परोठा छान लेंगे। हम इसमें से एक लोई डोड़ेंगे और उसे गोल करेंगे। अब फिर थोड़ा सा परोथन लगा लेंगे, उसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसे पलटने के बाद दोबारा से ऑयल लगाएंगे। हम इस पर आटे को थोड़ा मोटा सा बेल लेंगे। पराठे को हमें हल्के हाथों से बेलना है, इससे इसकी परतें खुलेंगी। देखिए हमारा पराठा बेल चुका है, अब हम इसे गर्म तवे पर डाल देंगे। हम पराठे को थोड़ा सा पलट के देख लेंगे और ऑयल लगा देंगे और पलट देंगे, इधर भी ऑयल लगा देंगे हम। इसे पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है पराठे पर। इस तरीके से हमारे पराठे बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सेक चुका है। हम सारे पराठों को इसी तरह सेक लेंगे। इसे भी हम अच्छे से पलट कर चिपड़ देंगे। अच्छे से और लगा देंगे और पलट के दोबारा से लगा देंगे। इसे भी हम उसी तरीके से सेक लेंगे। देखिए हमारे पराठों पर कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। इसे बच्चे बड़े बड़े ही चाव से खाते हैं। आप सफर में भी ले जा सकते हैं, नाश्ते में, डिनर में, किसी भी में आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है।